न्यूजीलैंड ने टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में ही भारत को 21 रन से हरा दिया। रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पहली बार भारत को टी20 मुकाबले में हार मिली है। डेरिल मिचेल और डेवोन कॉनवे की अर्धशतकीय पारियों से न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 176 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारत की बल्लेबाजी फेल रही और टीम 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। वॉशिंगटन सुंदर ने 50 लगाने के साथ ही 2 विकेट भी लिए, लेकिन यह भारत को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं हम आपको बता दें कि मैच देखने के लिए भारत के कोने कोने से लोग रांची आए थे। उन्हें बहुत निराशा हुआ कि भारत हार गया। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद ही दर्शक लोग मैदान छोड़कर घर के लिए रवाना होने के लिए गेट तक आए, लेकिन गेट नहीं खोला गया। वहां पर दर्शक ने खूब जोरदार शोर शराबा किया। आपको बता दें कि एमएस धोनी भी मैच देखने आए थे। भारतीय टीम ने पहली 4 ओवर में ही 3 विकेट भी खो दिए थे। ईशान किशन 4, दूसरे राहुल त्रिपाठी 0, तीसरे और शुभमन गिल 4 ओवर में आउट हो गए। वनडे सीरीज में कमाल करने वाले गिल सिर्फ 7 रन बनाकर ही आउट हो गए। उनका विकेट मिचेल सिंकनर ने लिया। 15 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पंड्या ने पारी संभाली। दोनों के बीच 4 विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी हुई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।